दोस्तों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन आज हमारे व्हाट्सएप पे आया हुआ है कि नीलामी में सोना कैसे खरीदें, यानी इनका जानना है कि जो भी ऑप्शन होता है उसमें सोना कैसे खरीदें। सोना तो देखिए नीलामी में बहुत कम बिकता है, मगर ज्वेलरी जो है वो बिकता है, अब उसमें सोना होता है ये बात अलग है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने वीडियोस बनाया था कि बैंकों में जो ऑप्शन होता है, जैसे SBI का बनाया था, बैंक ऑफ बड़ौदा का बनाया था, कैनरा बैंक का बनाया था, कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो ये नीलामी होता है वो कैसे होता है और कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होता है। देखिए, जितने भी गोल्ड लोन की कंपनी हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे NBFC कंपनी हो, गवर्नमेंट का कंप्लाइंसेस है कि वो लोग जो है गोल्ड लोन दे सकते हैं, मगर उस लोन जो रखा हुआ है उन्होंने उस गोल्ड को खरीद नहीं सकते हैं। अगर पार्टी मान लीजिए उसका पेमेंट नहीं करता है तो वो क्या करता है, इंटीमेशन दे के पार्टी को बाद में उसको ऑप्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन में जो बैंक है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो NBFC कंपनी है वो उन चीज़ों को नहीं खरीद सकता है। मार्केट में ओपन रहता है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंपनी हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो या LLP कंपनी हो, तो वो जाके चीज़ों को खरीद सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। अब इसके लिए क्या होता है कि बैंक जो है या NBFC कंपनी जो है हमेशा इसके लिए टेंडर निकालती है या पेपर में एडवर्टाइजमेंट करती हैं या अपने वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट करती हैं। तो जिसको लेना है नीलामी में सोना या ज्वेलरी, उसको हमेशा ऐसी चीज़ें थोड़ी फॉलो करनी पड़ेंगी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए कि कब इस तरीके का ऑप्शन जो है निकल रहा है। उसमें देखिएगा, नंबर भी दिया रहता है, एसेट मैनेजर जो होता है कंपनी का या मान लीजिए उस ब्रांच का जो एसेट मैनेजमेंट में डील करता है, वही लोग इन सब चीज़ों को डील करते हैं, उसमें नंबर भी उनका दिया रहता है, आप लोग बात भी कर सकते हैं, टाइमिंग भी दिया रहता है। और आप लोगों का पर्सनल कंपनी का डॉक्यूमेंट अगर मान लीजिए ऐसे है या DSC जिसके थ्रू आप ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं, और अगर ऑफलाइन वहाँ बुला के बोली लगाया जा रहा है तो बात अलग है, प्लस आपका IDR कंपनी का, अगर ये और GST, ये तीन चार चीज़ अगर आप रेडी रखते हैं अपना ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस के लिए, तो आप किसी भी ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसका काम करना चाहते हैं, इसका बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन ज्वेलरी परचेज का ऑप्शन में, या मान लीजिए एयरपोर्ट पर जो ऑप्शन होता है, या मान लीजिए जो चोरी का सामान पकड़ा जाता है उसका जो ऑप्शन होता है, तो ये सब पे हम लोग गाइडलाइन करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, कंपनियाँ खुलवाते हैं, प्रोसेस पूरा बताते हैं कि कैसे आप खरीद सकते हैं, कैसे आप जानिएगा कि ठीक ठीक है, कैसे आप गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को मानते हुए काम कीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो और प्रॉफिट हो। तो ये सारे काम के लिए आप चाहें तो हम लोगों की कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जो अभी बेंगलोर, कोलकाता, पटना और सिलीगुड़ी, ऐसे कुछ जगह में हम लोग का कंसल्टेंसी चलता है, ज़्यादा चलता है, बाकी पूरे इंडिया में चलता है, यहाँ पर ऑफलाइन भी चलता है। तो आप लोग मिल सकते हैं, मिल के हम लोगों से जान सकते हैं, इस पर हम लोग पूरा गाइडलाइन करते हैं और दिखा भी देते हैं कि इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उनका ग्रोथ कितना है, ताकि आप लोगों का थोड़ा मनोबल भी हाई रहे और आप लोग अपना एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। बहुत अच्छा स्कोप है दोस्तों, और लोकल में ही इसका आपका सोल्यूशन मिल जाता है, तो बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है। एक गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड से रिलेटेड ही एक अलग टाइप का बिजनेस है, जो एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा और बहुत तरह का फ़ायदा होता है। मान लीजिए आपको ऑप्शन में ज्वेलरी मिल जाए तो सस्ता मिल जाएगा, उसको आप कन्वर्ट करके अपने यहाँ पे महंगा में बेच सकते हैं, तो अच्छा खासा फ़ायदा और मार्जिन रहता है, जिसमें मान लीजिए आपको मेकिंग चार्जेस भी मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा है, तो इनकम सोर्स हो जाता है। तो जिनका भी ज्वेलरी दुकान है, अगर वो इस टॉपिक पे काम करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा फायदेमंद होगा। ज्वेलरी रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे वो गोल्ड बुलियन का हो या ज्वेलरी एक्सपोर्ट का हो या बाईबैक का हो या ये नीलामी में सोना खरीदना हो, ऐसा किसी भी मैटर पे आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग गाइड करके आपको एक ईयरली एग्रीमेंट के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट करवा देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।